स्टेफनी चैंपियनशिप में किंग चैंपियनशिप चल रही है और बंदे पूछ रहे टीम एक्सो क्या उखाड़ रही है। तो भाई टीम एक्सो का मैच है, अभी के अभी उखाड़ेंगे, जो भी उखाड़ेंगे या खुद ही उखड़ जाएंगे ये तो बताएगा समय। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो का मजा लेते हो, सब्सक्राइब नहीं दबाते, कुछ और दबाने के लिए मिलेगा भी नहीं जिंदगी में, जल्दी से दबा देना, बद्दुआ दे दूंगा, लाइक भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, आ जाओ आसमान पाताल सब खरीद देंगे। और भाई साहब कुछ दिख लिया हमने रोड पे। स्टेफनी चैंपियनशिप का पहला अटैक, सेकंड राउंड है वैसे हमारा ये, इससे पहले एक राउंड हम जीत चुके हैं। और पहला अटैक आपको पता ही है किसको करना होता है, ऑलवेज इट इज डैडी मुगैम्बो। आइए गाइस बेइज्जती कराते हैं अपनी और करते हैं वन स्टार। वैसे ऐसे बोलना चाहिए भाई, बोलना नहीं चाहिए, मजाक मजाक में कभी ऐसी हो जाए। फिर मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि चलो बिलिम तो आ गई है टीएस तक, आधा काम हो गया गाइस। ओ पीरेज डालिए एकदम सही तरीके से, गई है आर्मी। सीसी निकाल लो, मरवा देगा वरना ये सीसी का झमेला। चलो सीसी आ गया, क्वीन मर नहीं रही, अब मरेगी। नहीं मरी, क्वीन है कि क्या है भाई, मर के ही नहीं दे रही, अमर है क्या क्वीन, ये काफी डिफेंस बचा हुआ है अभी भी। सकैटर शॉट वाला कंपार्टमेंट है असली खोतरा, पर हमारे पास रॉयल चैंपियन है, चैंपियन बिल्कुल है गाइस, रॉयल चैंपियन अपना काम कर रही है यहां पे। एक फ्रीज अभी भी है जिसको मोस्ट प्रोबेबली, ओ गाइस प्रोबेबली पे मेरा मुंह फंस गया, प्रोबेबली हम स्वैग कर पाएंगे, पूरी पूरी उम्मीद है मुझे इस चीज की, वरना बात कैसे बनेगी यार। चलो एडवांस में स्वैग कर देते हैं गाइस, अब तो नहीं बचेगा, अब तो कैसे ही बचेगा, कैसे भी नहीं बचेगा। तो टीम को पहला ट्रिपल मार के दे दिया है हमने, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा गाइस। सीओची भाई साहब यहां पे आ गए हैं और इस बार आत्मा आई है ब्लिज़ार्ड लावा लून की, आत्मा पहुंच पाएगी टीएस तक, पहुंच गई, क्लोन सही है, ओ क्लोन कह रहा हूं इनविजिबल ठीक है। ओ भाई साहब पहली वाली में ही सीधा टीएच को टारगेट कर दिया है, वो अच्छी बात है, अभी तक तो विजार्ड सही काम कर रहे हैं यहां पे। ओ फूक मारते मारते रह गए, एक फूक मार देते तो बात बन जाती। ओह नाइस, चलो सीसी भी बाहर आ गया, अभी तक सारी चीजें ठीक ठाक हुई हैं क्योंकि सीसी आ गया है बाहर, मरा नहीं है बाहर। ओ वार्डन क्यों उतार दिया, पागल है क्या गाइस, ऐसे जब कोई अटैक करता मुझे घबराहट हो जाती है। वार्डन को मेन आर्मी के साथ नहीं डिप्लॉय किया, हीरोज के साथ ही इस्तेमाल कर लेंगे भाई साहब। भाई वार्डन एबिलिटी दबा दो, दबा दी, अब तो चलने दो भाई, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, अब तो हीरोज के हवाले वतन साथी हो यहाँ पे पूरा का पूरा। और क्वीन बाहर ना चली जाए इस चीज का डर लगा हुआ है, चलो अब तो जंप लेगी लेगी। काफी सारी चीजें टेक डाउन कर दिया यहां पे, स्कैटर शॉट की तरफ भी बढ़ चली आर्मी, वार्डन एबिलिटी नहीं है उस चीज का डर लगा हुआ बस एक, बाकी डबल स्कैटर शॉट। ये तो गधी बैठ जाएगी यहां पे भाई साहब, सोची भाई साहब ये जो आपने टैग करने की कोशिश करी है, इस तरह से क्लाउस और स्टार्स भाई साहब को अटैक करते हुए देखा गया है, पर यहाँ पे भूत प्रेत अच्छे तरीके से काम नहीं करे हैं यहाँ पे सियोची भाई साहब के ऊपर, और भूत प्रेतों ने अच्छे से काम नहीं करा है जिसकी वजह से अब हमारे भूत प्रेत उतरने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है यहाँ पे।
हेस्ट चल रही है पर वहां पे बलून पहुंच ही नहीं पाएंगे, हेस्ट का क्या होगा भाई साहब, यही मरेंगे आपके बलून, पटक पटक के मारेगा ये स्कैटर शॉट। प्रतिशत यहाँ पे थोड़ी सी मिल जाएगी क्योंकि मिनियंस लगे पड़े 82, 3, 4, 5, 85 तक जाएगा गाइस ये अटैक। कुणाल भाई साहब यहाँ पे आए अपनी धुआंधार आर्मी लेके, क्वीन चार्ज, मास होग राइडर्स, और क्वीन के लिए यहाँ पे एकदम खतरनाक सिचुएशन हो गई है उतरते के साथ ही। गलत भाई की हत्ते चढ़ गई है क्वीन, यहाँ पे सारे स्केलेटन ट्रैप थे, पर हेड एंटर ने ओपी काम किया है। ओ भाई साहब, दो गोबलिन दो सीसी के वो भी निकाल के लिए आए, तो हेड एंटर भागता ही चला गया इसका हेड एंटर। आधा मिनट बर्बाद हो चुका है अभी तक। अब 2 मिनट बचे, क्वीन की रेज और गई एबिलिटी, गई गई बच गई, गई बच गई, चलो बच गई गाइस, घोड़ा भी बच गया। क्वीन टीएस सेक्शन में जा ही नहीं रही है, पता नहीं प्लान था टीएस सेक्शन में पहुंचाने का या नहीं। 3 वॉल ब्रेकर तो अभी भी हैं, पर चलो टीएस सेक्शन का प्लान ही नहीं था, ये सही है। टीएच को सुपर गोबलिंस की मदद से निकाला जाएगा, हेड एंटर आ गए भाई, फ्रीज कर कुछ कर, मर गई क्वीन, मर गई, सब कुछ लेट कर दिया, हेड एंटर भग गए हैं, भगने नहीं दिया, चलो नाइस। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पे अभी क्या बोले, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, डेंजरस सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है इस अटैक के अंदर। खतरनाक वाली रॉयल चैंपियन की बलि चढ़ गई है यहां पे सिंगल टारगेट के हवाले से क्वीन के। ओ बच गई है रॉयल चैंपियन, तो मुझे लगा सिंगल टारगेट में अपना भाई को देखने लगा था गाइस, मेरा भाई आ गया था मेरे कमरे में इसलिए मैंने देखा नहीं रॉयल चैंपियन को, पर यहां पे तो हालात अभी काबू में नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। बैठ गई है गदी भाई साहब, गदी घोड़ा हाथी दौड़ा इस वाले बेस की तो बैठा दी यहाँ पे कुणाल भाई साहब ने। कुणाल भाई साहब ओपी इन द चैट, मार दिया ट्रिपल भाई साहब, सियोची भाई साहब का भूत तो यहाँ पे काम न कर पाया, पर कुणाल भाई साहब के होग्स को यहाँ पे रेहान खान का ये बेस रोक ना पाया। मंजीत सिंह भाई साहब यहाँ पे अटैक करते हुए, ओए 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 ओ ओ ओ ओ, 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 ओ। ऐसे जूस की बोतल पता नहीं क्यों लेके घूम रहे हैं, बूम बाम लिखा हुआ उसके ऊपर पता नहीं। क्वीन चार्ज हाइब्रिड, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओ इनविजिबल डाल दी सिंगल टारगेट के कंपार्टमेंट में, क्वीन को दौड़ाना चाहते हैं, क्वीन चली भी गई है और सिंगल टारगेट को टेकडाउन भी कर दिया है, ये भी अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा प्लान अभी तक यहाँ पे ठीक ठाक नजर आ रहा है मंजीत सिंह का, क्योंकि क्वीन अभी तक काबू में है, जब तक रानी काबू में है तब तक टेंशन की ज्यादा बात नहीं है, रानी बेकाबू हो जाती है तब मामला बिगड़ जाता है। और हाइब्रिड दौड़ा दिया सीधा भाई, क्योंकि क्वीन तो टीएच निकालेगी निकालेगी बहरहाल में, इसलिए सीधा हाइब्रिड को दौड़ा दिया गया है यहाँ पे। पॉइजन मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा क्वीन के लिए, यहां पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा है और ये परेशान भी बहुत ज्यादा कर रहा है क्वीन को। क्या नाम है इसका, लावा राइडर गाइस, टेक डाउन करेगी के नहीं करेगी, भाई मार मुड़ दे भाई टीएच को, पता नहीं गाइस टीएच को टेक डाउन करेगी आज के जीवन में या नहीं करेगी क्वीन। कर दिया कर दिया कर दे कर दिया, चलो गाइस अच्छा खासा हाइब्रिड अभी भी जिंदा है क्वीन के पास एबिलिटी, और सबसे अच्छी बात अभी तक पॉइजन में नहीं गई है, पॉइजन से बची रहेगी तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे रॉयल चैंपियन के पास भी एबिलिटी है, कुछ होग राइडर्स बचे हुए हैं, एबिलिटी ओ घुस गई पॉइजन में, अब तो इसकी जान खतरे में है, पर पॉइजन का इफेक्ट काफी कम हो चुका है, क्या पता क्वीन अपनी जान यहां से बचाने में कामयाब हो जाए। वार्डन की छड़ी
पड़ेगी इस बेस के ऊपर बड़ी। भाई साहब ट्रिपल मार दिया लग रहा मंजीत सिंह ने, बिल्कुल मार दिया, मजाक से हटके मार दिया। तो सियोची भाई साहब की गद्दी बैठी अभी तक, बाकी सबने गद्दी बैठाई है। फाइनल अटैक आ रहा है यशस्वी भाई साहब की तरफ से, देखते हैं क्या उखाड़ पाएंगे। अच्छा ब्लिजार्ड लेवल उनका, इनके अंदर गाइस बीमारी आ गई है, आइए देखते हैं इनकी बीमारी का इलाज हो पाएगा कि नहीं। बीमारी का इलाज किस किस का करूं गाइस समझ में नहीं आ रहा, दो दोस्त भी घूम रहे मेरे पीछे बार बार अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं, पर इस बार शायद अच्छी वैल। ओ उड़ गया, जैसे मैं बोलता हूँ अच्छी वैल्यू रहेगी तभी उड़ गया बेचारे का ब्लिजार्ड। शायद स्कैटर शॉट आ रहेगा, आ गया आ गया। चलो वैल्यू तो अच्छी आई है क्योंकि सीसी भी मार दिया भाई, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही मार दिया। ये मरियल सा मिनियन घूम रहा है, क्या ही उखाड़ लेगा ये, कुछ भी ना उखड़ा इससे। पर ओ उखाड़ रहा है तो दूर से मार रहा है, वीन को दूर से पटक पटक के मार रहा भाई। किंग बाहर की तरफ जा रहा है, क्वीन सिंगल टारगेट से मुलाकात करते के साथ ही मरेगी। किंग दादा कुछ करो दादा, किंग दादा बाहर की तरफ भटक रहे हैं, आइस गोलम का कोई फायदा उठा नहीं पाए हैं किंग दादा। किंग दादा उल्टा से उल्टा घूम रहे हैं गाइस, किंग दादा को वापस से अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है पर किंग दादा का मूड ठीक नहीं लग रहा। ओ चले गए, अभी रॉयल चैंपियन आएगी गाइस, जैसे स्कैटर शॉट क्वीन इसको हिट करेगा ना किंग को, तभी ये बंदा रॉयल चैंपियन डालेगा, उससे पहले नहीं डालेगा, डाल देनी चाहिए वैसे। अब टाइम देखो कितना कम बचा है, गलत जगह डाली है रॉयल चैंपियन की, डिप्लॉयमेंट भी गलत जगह करी है, वाह बिल्कुल दिमाग नहीं है, किंग के पीछे करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ से लावलून भी दौड़ा दिया भाई ने, बताओ गलत है कि नहीं है, स्कैटर शॉट निकल जाता अगर किंग के पीछे दौड़ा देता तो उसको, पर भाई में अकल ही नहीं है, भाई है सलमान भाई के फैन, ले ले भाई फिर मजे। अब यहां पे दिक्कत हो सकती है इस अटैक में, हालांकि स्पेल्स तो अभी भी हैं, रॉयल चैंपियन भी टेकडाउन हो गई है, मल्टी टारगेट है असली खतरा, और वहां पे माइंस हो सकते हैं, माइंस रेड माइंस, सिंगल टारगेट तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई, खतरा तो सिर्फ माइंस है, एक माइन दूसरी तीसरी माइन चौथी माइन, पर अब माइन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इस बेस ने, इस अटैक ने माइनिंग कर दी है इस बेस के लिए। तो भाई साहब 14 स्टार मार दिया यहाँ पे, एक ही अटैक फेल हुआ है एक्सो की तरफ से और अपोनेंट वाले लगे पड़े हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफेंस किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको पता है कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं इंडियन रॉक पास, पर अच्छा खेले हम लोग भी, अच्छा खेले तो दो राउंड जीत के अब तीसरे राउंड में पहुंच चुके हैं यहाँ पे टीम एक्सो वाले। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने आवारा दोस्तों के साथ, अपने माता पिता का भी।